जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, जीवन में विशेष सफलता, यश व धन प्राप्त यदि आप करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यह सिद्ध उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि जन्माष्टमी की रात्रि के समय आपको कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे भगवान गोपाल कृष्ण जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर व आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रहेगी। तो इसी दिन देश भर में भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन विशेष उपायों को करने से सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से विशेष उपाय हैं। तो अगर आप किसी आर्थिक संकट से परेशान रहते हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। साथ ही कृष्ण जन्म के समय शारदा तिलक ग्रंथ में दिए गए इस अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप करें। तो मंत्र इस प्रकार से है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी यश की कमी नहीं होवे और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, क्लीं कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो इससे आपको धन की कमी नहीं आएगी और आपके पास यश की कमी भी नहीं रहेगी। और अगर आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा आपका टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं धन आपका खर्च हो जाता है और आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल वस्त्र पहन करके बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मीकारक कोड़ियों को सिंदूर में रंग करके रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जाप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कोड़ियों को उठा करके अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख देवें तो इससे आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में सम्मान शोहरत पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को साबुत दाने अथवा चावल की खीर बना करके भोग अर्पित करें। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी सी केसर की पत्तियां अवश्य डाल देवें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का जाप आप करें। मंत्र इस प्रकार से है, क्लीं ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो इससे आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। और अगर आप लक्ष्मी जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो इससे आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। और इसके अलावा अगर
कोई इच्छा ऐसी है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और आप उसे जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन एक शंख में जल भर करके लड्डू गोपाल जी का कच्चे दूध से अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। और अगर आप अपने परिवार में सुख शांति सदैव बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्रेम विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन रात के समय श्री कृष्ण जन्म के समय विधिपूर्वक भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, साथ ही उनके इस खास मंत्र का जाप करें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, आपस में प्रेम व विश्वास बना रहेगा। और अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान कर रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन रात के ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर के घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में आपको दबा देना चाहिए। साथ ही कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 1 माला आपको जाप करना चाहिए, तो इससे आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप अपने जीवन में खुशहाली सदैव बनाए रखना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन पॉजिटिविटी बनाए रखें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं, साथ ही एक पात्र में केसर और रोली मिला करके रखें। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में रख दें और रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद अपनी नाभि व माथे पर लगाए रखें, तो इससे आपको जीवन में खुशहाली मिलेगी और सकारात्मक विचारधारा आपकी बनी रहेगी, नकारात्मक दृष्टिकोण आपका दूर हो जाएगा। और अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी आदि करते हैं लेकिन उसमें आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो अपने बिजनेस और नौकरी में तरक्की पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुला करके उन्हें खीर खिलाएं, लेकिन कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को उसका भोग लगाना नहीं भूलें। इसके साथ ही अपने काम में सफलता पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन रात के समय श्री कृष्ण भगवान के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम नमो भगवते नंद पुत्राय बाला दिव पुषे श्यामलाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान कृष्ण जी को पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं और गोले की मिठाई का भोग अर्पित करें। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम ह्रीम श्रीम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, तो इससे आपको जीवन साथी अवश्य प्राप्त होगा। और अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग अर्पित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। तो इस मंत्र का कम से कम 108 की संख्या में जाप करें, तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपकी मनोकामनाएं भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पूर्ण होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।